बेटा में भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस का बुधवार को ठहराव हुआ, जहां भाजपा सांसद रामकृपाल यादव और दानापुर रेल मंडल के तमाम अधिकारी के साथ हरी झंडी दिखाकर भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस को पटना के लिए रवाना किया गया। ट्रेन के ठहराव होने के बाद भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि काफी दिनों से पंचायतवासियों की मांग थी कि भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हो, जो अब पूरा हो गया है। मांग के अनुसार हमने माननीय मंत्री से आग्रह किया और उन्होंने स्टॉपेज दे दिया है। इसके पहले भी मैंने कई स्टॉपेज कई ट्रेनों का करवाया है, अभी भी कुछ ऐसे स्टॉपेज कराने हैं जिसकी आवश्यकता है और मैं पहले करवाया था, करनों में बंद हो गया है, मैं इस पर लगाऊँ। तो आज ये दीपावली है, मैं समझता हूँ कि उसके पूर्व ये बहुत बड़ा उपहार है यहाँ की जनता के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने दिया है यहाँ के आम जन के लिए। तो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का और अपने रेल अधिकारियों का, जिनके अथक प्रयास से सफलता हासिल हमने की। जमुई में राइस मिल के मालिक से रंगदारी मांगने वाले चार अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। मामले की जानकारी देते हुए झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि 6 नवंबर को बाबा राइस मिल संचालक ने सोनो थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद झाझा एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के 48 घंटे के अंदर पुलिस अपराधियों तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में से 3 सोनो थाना क्षेत्र के जबकि 4 गरही थाना क्षेत्र का निवासी है। अपराधियों के पास से मोबाइल, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर बरामद किया गया है। दिनांक 6/11/23 को बाबा राइस मिल मालिक डब्ल्यू यादव के द्वारा एक अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने जाने तथा नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी देने के आरोप में सोनो थाना कांड दर्ज किया गया एवं पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुवनी प्रताप सिंह, अंचल निरीक्षक झाझा, थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार सोनो थाना, पुवनी रविंदर कुमार, पुवनी जितेंद्र यादव, पुवानी त्रिपुरारी कुमार एवं तकनीकी शाखा के कर्मी एवं सशस्त्र बल शामिल थे, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापामारी कर कांड में संलिप्त कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल बरामद किया गया है जिसे रंगदारी की मांग की गई थी, साथ ही एक लैपटॉप एवं प्रिंटर बरामद।